अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. ओके गाइस, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था सीओपीडी का टॉपिक और मैंने आपको बता दिया अबाउट इसकी पैथोफिजियोलॉजी तक. ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं. अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी में जैसा मैंने आपसे कहा है कि इसके पल्मोनरी और सिस्टेमिक कंपोनेंट्स दोनों होते हैं. आपकी क्या क्या चीजें मसल नजर आ रही है आपको, आपको नजर आ रहा है कि आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स को वीक कर रहा है क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है, एक्सेसिव मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन काम में आ रहे हैं. दूसरा, आपका किडनी से सही ठीक नहीं हो रहा तो किडनी वाटर सॉल्ट को रिटेन कर रही है, एडिमा हो रहा है. तीसरा, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो रही है और जीएटी पे मसला हो जा रहा है तो पेशेंट को एनोरेक्सिया वेट लॉस जैसे सिम्टम्स आ रहे. जा रहे खाएगा नहीं तो वेट लॉस होगा. फैट की जो जब एनोरेक्सिया होता है पेशेंट खाता नहीं है तो फैट जो है उसकी मेटाबोलिज्म डिस्टर्ब होती है, वो डिफरेंट पेरिफेरल एरिया से आके वो इस्तेमाल होने लग जाते हैं, पेशेंट का वेट लॉस होता है, फैट की मेटाबोलिज्म ऑल्टर हो जाती है. जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होती तो बोन्स में हाइपोक्सिया भी हो रहा है, न्यूट्रिशन भी नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस का चांस बढ़ जाता है. तो ये सारी बातें आपने लिखी है. ठीक है, किडनी का है, ऑस्टियोपोरोसिस है, वेट लॉस है. उसके बाद है हमारे पास आखिरी जो चीज रह गई थी वो था इंक्रीज इन्फ्लेमेशन तो है ही है. मैंने आपको कहा था कि इन्फ्लेमेशन भी तो ज्यादा होने लग जाएगी तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी जो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करें वो भी एक तरह का ट्रॉमा है हमारी वेसल्स के लिए, तो वेसल का ट्रॉमा भी आ गया. ठीक है, ये होगी पैथोफिजियोलॉजी. मैंने आपको फीचर्स क्लिनिकल फीचर्स जिस तरह मैंने आपको पहले भी रिलेट कर दी थी, मैं फिर जरा से बता देती हूँ कि आपके पास सिनेरियो आते हैं ना तो आगे क्लिनिकल फीचर्स हैं तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि क्लिनिकल फीचर्स किस तरह से इससे ताल्लुक बना रहे हैं. तो सबसे पहली चीज जो हमेशा होगी ना सीओपीडी के पेशेंट में कि स्मोकर प्रेजेंटेड टू यू, पहली चीज शुरू ही यहां से होगा सिनेरियो. उसके बाद क्या है कि किस चीज से प्रेजेंट किए, क्रॉनिक कफ विद स्प्यूटम. ठीक है, स्प्यूटम प्रोडक्शन के अलावा ड्राई कफ कभी नहीं होता. जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अस्थमा में ड्राई कफ है, स्प्यूटम का कोई ताल्लुक नहीं है. यहां पर तो है ही म्यूकस ग्लैंड हाइपर एक्टिविटी हो रही है वैसे भी ना. अब आप कहेंगे कि एम्फिजेमा में तो कोई म्यूकस ग्लैंड की ओवर प्रोडक्शन और म्यूकस ग्लैंड की गॉबलेट जो म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन एम्फिजेमा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ऐसी डिजीजें जो ऑलमोस्ट हमेशा ही को एग्जिस्ट कर रही होती हैं. आपको 90% यही नजर आता है कि ये दोनों साथ साथ हो रही होती हैं, इस वजह से हम इनको एक साथ ही पढ़ते हैं. अच्छा, कफ विद स्प्यूटम है एंड ब्रेथलेसनेस है. जाहिर सी बात है कि पेशेंट जो एयर को रिटेन कर रहा है वो उसको निकाल नहीं पा रहा, तो उसको हाइपोक्सिया है तो ब्रेथलेसनेस होगी, डिस्निया होगा. तो पेशेंट प्रेजेंटेड यू विद, जब उन्हें कहना हो ना कि नॉर्मल एपिसोड है तो कहते हैं कि स्मोकर था 20 साल से, आपको प्रेजेंट किया है कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन के साथ एंड डिस्निया एंड सेंट्रल साइनोसिस. अब सेंट्रल साइनोसिस का मतलब है कि उसकी नाक और उसके लिप्स जो है वो ब्लू होते जा रहे थे और कान, ये सारे सेंट्रल साइनोसिस में आता है. ये किस चीज को इंडिकेट करती है कि पेशेंट की बॉडी में बहुत ज्यादा हाइपरकैपनिया हो रहा है, मतलब ये कि वो इतना रिटेन, इतनी भी उसकी ऑक्सीजनेशन नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी इतनी भी उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल पाए और वो हाइपरकैपनिया डेवलप कर रहा है. सेंट्रल साइनोसिस ना अक्सर आपका एक्यूट एग्जैसरबेशन ऑफ सीओपीडी को इंडिकेट करता है. मतलब सेंट्रल साइनोसिस पेशेंट अगर लॉन्ग टर्म सीओपीडी पर चलता आ रहा है ना पेशेंट, तो वो एकदम से सडनली सेंट्रल साइनोसिस के साथ प्रेजेंट नहीं करेगा. वो आहिस्ता हो सकता है कि उसकी बॉडी रिटेन करती हो, लेकिन जो है ना कि सवेर और अचानक से आया कि सवेर एपिसोड ऑफ डिस्निया एंड कफ है और साथ उसको सेंट्रल साइनोसिस, तो हमेशा एग्जैसरबेशन ऑफ सीओपीडी होती है. बहरहाल जब तक आपकी नॉर्मल डिजीज होगी ना तब तक तो ये सिम्टम्स हाइपरकैपनिया थोड़ा सा आपके सिवेरिटी में जाता है, बाकी ये वाले जो है ना ये तो आपकी नॉर्मल सीओपीडी के पेशेंट है. लेकिन जो एडिमा और मॉर्निंग हेडेक है ना, ये आपका सिवेरिटी को इंडिकेट करता है. किस तरह से, एडिमा आपका तभी होगा जब बॉडी में बहुत ज्यादा हाइपोक्सिया हो जाएगा और किडनी इफेक्ट होगी, और मॉर्निंग हेडेक आपका तभी होगा जब बॉडी में बहुत ज्यादा हाइपरकैपनिया हो जाएगा. खास तौर पे सुबह सर में दर्द इस वजह से ज्यादा होता है कि रात के टाइम ना हमारी रेस्पिरेशन की जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई होती है, ब्रीदिंग जो एबिलिटी है, हम उतना ज्यादा सांस नहीं ले रहे होते और ना ही उतना ज्यादा मूव कर रहे होते हैं जितना हम दिन के टाइम होते हैं. तो इस वजह से रात के टाइम बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन ज्यादा हो जाती है और इस वजह से सुबह के वक्त पेशेंट को हाइपरकैपनिया की वजह से बहुत ज्यादा सर दर्द होता है. तो अगर मॉर्निंग हेडेक आ जाएगा ना तो ये तो आपका कंफर्म है कि फिर आपका सीओपीडी की तरफ जा रहा है, और एक्यूट ये है सवेर सीओपीडी. एक्यूट एग्जैसरबेशन नहीं है लेकिन सवेर है. फिजिकल साइंस क्या है कि मतलब हमें क्या क्या नजर आएगा पेशेंट में. एक बात याद रखना कि जो क्लबिंग का फीचर है ना वो सीओपीडी के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड नहीं है. डेविडसन यही कहती है कि हमारे पास, हमने कहा कि कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जब होते हैं ना वो आपकी क्लबिंग शो करते हैं, वो मतलब क्लबिंग उनमें शो होती है. जो आपके क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स या फिर ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें सेल प्रोडक्शन ज्यादा बहुत ज्यादा हो रही है उनमें क्लबिंग ज्यादा होती है. इसमें भी हो सकती है बट नॉट एक्चुअली के हम ये नहीं कह सकते कि एक ऑलवेज प्रेजेंट साइन होगा. तो आपकी जो कैपलाइन है ना उसमें लिखा है कि सीओपीडी में क्लबिंग तो होगी ही होगी, लेकिन डेविडसन ऐसा नहीं कहती, तो यू हैव टू फॉलो डेविडसन हियर. मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी बात है जो दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी है और आपने डेविडसन को ही फॉलो करना है. मैं ये नहीं कह रही कि क्लबिंग नहीं होगी, लेकिन वो कहती है कि क्लबिंग इज नॉट ऑलवेज अ फीचर, और अगर क्लबिंग भी है ना पेशेंट को और साइंस और सिम्टम्स इस जैसे हैं तो हमने पहले सोचना मेलिग्नेंसी, फाइब्रोसिस और ऐसी चीजों के बारे में है और उनको रूल आउट करना है. ठीक है,
ये लाजमी है। तो फिजिकल साइंस में आपका ये बात हो जाती है, उसके साथ साथ आपका जो पेशेंट है वो ऑफकोर्स ही बात है कि उसके जो चेस्ट है ना उस पे से वीजेस आती हैं, आपको वीजेस नैरोड एयरवे की वजह से आती हैं, जिस तरह आपके अस्थमा में आई थी इस तरह इधर भी आती हैं। क्रैकल्स जो है ना वो हमेशा नहीं होंगी। अब आपको ये मैंने पिछली वीडियो में बताई थी जब मैंने आपको साउंड्स बताई हैं कि वीजेस तो नैरो एयरवे की वजह से आती है, क्रैकल्स तब आती है जब आपका साथ इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन से आपके एल्वेलाई और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स ना भर जाती है पस से फ्लूइड से, उस केस में क्रैकल्स आते हैं आपके, वरना नहीं आते। लेकिन आपके सिनेरियो में ना अक्सर मैंने देखा कि वीजेस एंड क्रैकल्स लिखा होता है, तो वीजेस एंड क्रैकल्स अक्सर आपके आ जाते हैं इसके सीओपीडी के सिनेरियो में। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप इसको लिख दें कि ये नमूनिया है। नमूनिया में हाई ग्रेड फीवर होता है जो इसमें कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा इसमें। पेशेंट को अगर उन्हें कई बार होता है कि फीवर या टेम्परेचर बताया ही नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि इन्हें पेशेंट को कोई फीवर या टेम्परेचर इसमें बताया वही नहीं होता मतलब आपके सिनेरियो में। लेकिन अगर कभी बताया होता है ना तो वो 100 तक ही होगा। जब आपका नमूनिया का केस है ना उसमें आपको होगा हाई ग्रेड फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, जनरलाइज बॉडी एक्स, मतलब जो पेशेंट को कहते हैं ना कि ड्राउजीनेस और ये सारी स्टेट हो जाती है, और उसमें भी आपको क्रैकल्स सुनाई देते हैं। यहाँ पर वीजेस एंड क्रैकल्स है बट नॉर्मल टेम्परेचर, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स है, और आपकी स्पायरोमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पायरोमेट्री में इसमें आपकी FEV1 / FVC बहुत डिक्रीज हुई होती है। फिजिकल साइंस सिम्टम्स यहां तक ये हो गए। अच्छा, उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना मैंने आपको जिस तरह कहा कि सिस्टेमिक सिम्टम्स होंगे, डिप्रेशन एंजाइटी में डेवलप चला जाता है। डिप्रेशन एंजाइटी इस तरह से होती है कि उसको सांस सही नहीं आ रहा होता ना, ये बड़ा पेशेंट के लिए बहुत ही मुश्किल बात होती है सांस सही नहीं आ रहा। ये भी तो आपने कोविड में भी देखा होगा कि कोरोना के पेशेंट्स जो बेचारे डिस्निया होता है उनको ब्रेथलेसनेस होती है, ऑफ दे पोस्ट कोविड डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये इसी वजह से है कि पेशेंट्स जो है ना वो बर्दाश्त करना वो फेस बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। बहरहाल आगे चलते हैं। आपके पास अब जो आता है ना पेशेंट को मैनेज कैसे करना है, मैनेजमेंट में आपने पहले उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, फिर उसको ट्रीट करना है। इन्वेस्टिगेशन भी आप इसी ऑर्डर में जरा करते हैं करेंगे तो अच्छा होगा। चेस्ट एक्सरे कई बार नॉर्मल भी हो सकता है, उसमें जरूरी नहीं है हमेशा कुछ हो, कई बार आपको हाइपर इन्फ्लेशन भी नजर आ सकती है। ठीक है, जरूरी कि हाइपर इन्फ्लेशन की वजह मैं आपको बता चुकी हूँ, और नॉर्मल इस वजह से कि अगर आपकी नॉर्मल डिजीज है और कोई खास मसला नहीं है तो इट कैन बी लाइक नॉर्मल, कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं हो सकता। ब्लड काउंट करवाना इससे जरूरी है कि हम देख लें कि पेशेंट को कहीं एनीमिया तो नहीं है जो है उसको डिस्निया कर रहे, क्योंकि एनीमिया की वजह से भी डिस्निया हो जाता है। और जब पेशेंट की ऑक्सीजनेशन पूरी नहीं होती ना तो अक्सर आरबीसी की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, पोलीसाइक्लीमिया हो जाता है। तो इन दोनों चीजों को देखने के लिए हम ब्लड काउंट कराते हैं। और अब यहां पर ना आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एस्थमा को सीओपीडी से, क्योंकि एस्थमा में हमेशा आपके पेशेंट का इओसिनोफिल काउंट इंक्रीज होता है, इओसिनोफिलिया होता है, यहां पर नहीं होता। पेशेंट्स का कोई आपका ब्लड काउंट में फर्क नहीं आता, बहुत वक्त थोड़ा बहुत लिम्फोसाइट्स सॉरी वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होता। एस्पिरिन एंटी ट्रिप्सिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एम्फिजमा के लिए। मैंने बताया था हम अक्सर जब हमें सीओपीडी की होती है ना कि हमें लग रहा होता है तो हम एस्पिरिन एंटी ट्रिप्सिन का ऐसे करा लेते हैं, क्योंकि एस्पिरिन एंटी ट्रिप्सिन वो एंजाइम है जिसने करना था कि इलास्टेसिस को फंक्शन को रोकना था ताकि इलास्टेसिस डिस्ट्रॉय ना कर सकते हमारी एल्वियुलर वॉल को। अब वो नहीं है, एस्पिरिन एंटी ट्रिप्सिन जिनमें डेफिशिएंट होता है उनमें एल्वियुलर वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसका ऐसे करवाना। स्पायरोमेट्री बहुत डायग्नोस्टिक है, ठीक है, ये भी डायग्नोस्टिक है काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि जिस तरह मैंने बताया था जितनी भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज हैं सब में FEV1 / FVC का रेशियो डिक्रीज होता है। अस्थमा में भी डिक्रीज था, इसमें भी डिक्रीज है, तो आपको बहुत ज्यादा पता चल जाता है कि यस ये आपकी कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। फिर आपका लंग वॉल्यूम्स है। लंग वॉल्यूम्स अब यहां पर क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका मैंने कहा ना कि लंग का वॉल्यूम लंग हाइपर इन्फ्लेट हो रहा होता है उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ रही होती है। तो लंग वॉल्यूम जब आप करवाते हैं ना हीलियम डाइल्यूशन मेथड से, मैं आपको हीलियम डाइल्यूशन मेथड ना ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ शुरू की वीडियोस में से, मैं दोबारा नहीं पढ़ा रही, तो उससे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि किस तरह से आपके लंग में स्पेस जो है वो ज्यादा है या कम है या कितनी हुई भी है। क्योंकि आपका रास्ते में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई भी है और लंग के अंदर की कैपेसिटी जो है वो बढ़ी हुई है तो जाहिर है आपको समझ आ जाता है कि यार ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है रास्ते में। और एम्फिजेमा के केस में भी यही होता है कि अंदर ना अंदर एयरवेज कि जब ये वाली जगह कम होती है ना, मतलब ऐसे हो जाते होते हैं ना नॉर्मल एल्वियोलाई ऐसे बंच होता है, अब जब वो ऐसे 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 हो जाएंगे तो उनका एक्चुअली सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया है। तो उनका सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास उनके अंदर जो नॉर्मल ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन का प्रोसेस था वो नॉर्मल नहीं हो सकता। पहले यहां पर भी वेंटिलेशन हो रही थी, यहां पर भी हो रही थी, अब सिर्फ ये जगहों पे हो रही है। तो इसीलिए हमारे पास जो एम्फिजेमा है ना उसमें भी आपका लंग वॉल्यूम डिस्टर्ब होता है। तो लंग वॉल्यूम्स बड़े अच्छे होते हैं आपको बताने के लिए। फिर आप एक्सरसाइज टेस्ट कराते हैं, उससे तो आपको सिर्फ पता चलता है कि पेशेंट का डिस्निया और ब्रेथलेसनेस किस हद तक है। पल्स ऑक्स आपको सेचुरेशन के बारे में बताती है, बॉडी में कितनी ऑक्सीजन सेचुरेशन चल रही है। हाइपोक्सिया होगा तो जाहिर है ऑक्सीजनेशन बहुत डिक्रीज हुई होगी, 80s में चली जाएगी, 70% आ जाएगी। और HRCT जो है ना हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन, वो आप COPD के लिए बहुत ज्यादा अच्छा समझा जाता है, क्योंकि HRCT पे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि
एम्फिजिमा में कैसे करेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। ब्रोंकाइटिस का तो इतना आपको अंदाजा उसमें नहीं होता क्योंकि आप ज्यादा लंग्स को देख रहे होते हैं, लेकिन एम्फिजिमा आपका बहुत अच्छे से पता चल जाता है, एयरवेज की जो नर्विंग और सब कुछ है। अच्छा जी, बहरहाल उसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट को ना हम अगले पार्ट में कर लेते हैं, इसकी मैनेजमेंट भी करनी है और एक्यूट सिवियर एपिसोड की भी। किसी को कोई मसला हो बेटा क्योंकि ना आस्क। थैंक यू।